गुड इवनिंग एवरीवन। कौशिक है सर। ओके सर, ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। गुंजन सर, गुंजन सर, एनी लर्निंग फ्रॉम यस्टरडेज क्लास? वन लर्निंग। सी गाइस, आई वांट दैट यू गाइस मस्ट आंसर व्हेन वी रिवाइज द क्लास। इफ यू आर नॉट गिविंग आंसर देन सी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। तो मुझे डाउट होता है कि शायद मैं नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूँ जब लोग आप लोग आंसर नहीं देते। तो आई नीड आंसर फ्रॉम योर साइड। सी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज आस्क मी 10 टाइम्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, बट व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस टू यू, आई नीड आंसर देयर, देन आई नीड आंसर। तो गुंजन सर, एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर, यू आर ऑडिबल। सर, सर, एनी वन लर्निंग फ्रॉम यस्टरडेज क्लास? सर, आई लर्न अबाउट द हाउ टू फ्रेम क्वेश्चनेयर, the questions of the research paper, because the example you have given, like that fruits, specifically like organic fruits and how it's going to impact your health, that was wonderful. So jab aap question frame karte ho to it should be specific rather than you are trying to cover, you know, broader aspect. And at that time you are going to fail, you know, even to provide the answer to that, because aapne bahut bada area le liya hai. So kaise aapne specific apne objective frame karna hai, I learned that yesterday. Okay, that's nice, sir. Okay, one last question I will ask to Neha ma'am. Neha ma'am, any one learning from yesterday's class? Any one learning? Neha madam. Sir, we learn how to narrow down the topics and how to specify the objectives in simple and clear terms and in a concise manner, more clear manner. Then we just learned only to how to specify the research problem, not objectives. Today we will learn how to specify the objectives. We learn only to specify how to write your research problem. Okay, fine. So we are starting with today's class. तो उससे पहले छोटी सी आपको कहानी। आजकल वैसे we are using RO water. You see, I am also drinking RO water. But पुराने जमाने में जब हम अपने पेरेंट्स के टाइम पे जाएं या दादा परदादा जी के टाइम पे जाएं, वो लोग कुएं का पानी पीते थे। नाउ एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी, कुएं का पानी कैसे निकाला जाता है? एनी वन ऑफ यू, कुएं का पानी कैसे निकाला जाता है? हाँ जी, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। कुएं का पानी, यस सर, बलजिंदर सर। सर, रस्सी बांध के बाल्टी को मतलब अंदर मतलब ले जाना पड़ता है, उसके बाद पानी उठता है। सर, उससे पहले कुआं खोदना भी तो पड़ेगा। कुआं खोदना भी तो पड़ेगा। जब हम लोग कुआं खोदने के लिए जाते हैं, आजकल वैसे बोरवेल लग जाता है, बट व्हेन वी स्टार्ट डिगिंग इनसाइड, शुरू में हमको कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ मिट्टी मिलती है, पत्थर कंकर मिलते हैं और तरह की सॉइल्स मिलती हैं, काली पीली लाल मिट्टी मिलती है, बट पानी नहीं मिलता है। देन वी डीप डाउन, फिर हम और डीप जाते हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पत्थर कंकर मिट्टी ये सब मिलता है। फिर हम और डीप जाते हैं, जब हम अराउंड 30 40 50 फिट 100 फिट नीचे चले जाते हैं, तब जाके हमको कहीं पानी मिलता है, तो वहां से पानी निकलना शुरू होता है। इन द सेम वे इन रिसर्च सर, जब आप एक पेपर रीड करेंगे, दो पेपर रीड करेंगे, तीन पांच सात पेपर रीड करेंगे, दैट इज सेम लाइक मिट्टी कंकर। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आएगा तो थोड़ा बहुत आएगा, बट यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स। यस, व्हेन यू रीच टू 15 पेपर्स, 20 पेपर्स, 25, 30, 40 पेपर्स, सर 40 पेपर्स, 35, 40 पेपर्स के बीच में जाके आपको पानी मिलना शुरू होगा। तो डोंट एक्सपेक्ट कि हमने सिर्फ सीख लिया कि क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, आज हम सीखेंगे पेपर कैसे रीड करते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सीख जाने से आपको रिसर्च आ जाएगी। यू हैव टू डिग डाउन, डीप डिग डाउन। अगेन वही मैं कह रहा हूं कि रिसर्च है सर, एक दिन में नहीं आएगी, इट टेक्स अ टाइम, बट डेफिनेटली 6 months आप इस पर अच्छे से काम कर लें, श्योरली आपको सब कुछ आ जाएगा। तो 30-40 LR से पहले प्लीज डोंट सी द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स देखने की कोशिश मत करना, कुछ नहीं मिलेगा। देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत सी आइडिया मिलना शुरू हो जाएगा 20 पेपर्स के बाद, 15 पेपर्स के बाद, कि हाँ क्या चल रहा है रिसर्च में, पेपर कैसे लिखा जाता है, पेपर का फ्रेमिंग कैसे होता है, पेपर में क्या रीड करना है, क्या नहीं रीड करना है, यू विल गेट टू नो दैट। बट यस, 20-25-30 पेपर्स के बाद आपका दिमाग चलना शुरू होगा। सर, एकता मैम, आपने अभी
डायरेक्टली वेरिएबल्स की बात करी कि आपको वेरिएबल्स मिल रहा है कुछ में नहीं मिल रहा है, डायरेक्टली वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, बट मेक श्योर अपने 30-40 लिटरेचर रिव्यूज पहले अच्छे से करे हुए हैं. यू विल लर्न हाउ टू मेक मॉडल्स. I teach others how to make research models using different theories. Today I will show you my model. I have bring up my synopsis and will show you how I have written that. How I have framed my synopsis. Usme research question kaise liya, framed usko narrow down karke research gaps kaise aaye, narrow down karke research objectives kaise aaye, maine apna model kaise frame kiya. Aapko main sikhane ka. So I'm sharing my screen. एंड जो डे टू की स्लाइड्स थी सर मैंने उसमें अपडेट कर दी है. आप देखेंगे सी डे टू की स्लाइड्स मैंने आज अपलोड करी है. रीजन बीइंग मैंने लाइव एग्जांपल्स ऐड कर दी है उसमें कि एक्सेलएस फाइल कैसे फाइंड आउट करते हैं, पीडीएफ पीपीटी डॉक फाइल प्लस का निशान, हाउ वी यूज स्पेसिफिक वर्ड कैसे यूज करते हैं, डबल प्लस कैसे यूज करते हैं अगर दो वर्ड स्पेसिफिक सर्च करने हैं, माइनस कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूज डबल प्लस विद फाइल टाइप. मैंने ऐसा भी आपको एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के सिखाया. और एक पर्टिकुलर अगर कॉन्टेक्स्ट है, पर्टिकुलर लाइंस है आपके पास तीन चार, उसको कैसे सर्च करते हैं. तो मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऐड कर दिए आपके सामने ताकि आप इसको रेफर करके आपको प्रॉब्लम ना उसको यूज करके. दैट्स व्हाई आई हैव अपलोडेड इट टुडे. सो वी आर ऑन डे 7 डे 6 यस. कल हमने किया हाउ टू फाइंड अ रिसर्च प्रॉब्लम स्टेप वाइज. नाउ यस लेट्स स्टार्ट. सबसे पहली चीज आज की क्लास में, होप माय स्लाइड्स आर विजिबल टू यू. इज इट विजिबल? विजिबल सर. थैंक यू. आपके सामने डायग्राम बनाया मैंने. रिसर्च क्वेश्चन इज अ बिग सर्कल सेम लाइक जैसे एक समुंदर होता है. रिसर्च गैप्स थोड़ा सा छोटा उससे, सेम लाइक जैसे एक नदी होती है. बट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी वेरी स्पेसिफिक, सेम लाइक जैसे ग्लास में पानी होता है. आप इस डायग्राम को प्लीज दिमाग में बिठाइए. मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन किया आपके लिए, खुद से नेट से नहीं लिया गया. ये रिसर्च क्वेश्चन सर ब्रॉड होगा, बहुत ब्रॉड होगा, ओपन एंडेड होगा, ब्रॉड होगा. रिसर्च गैप रिसर्च क्वेश्चन को ही छोटा करेंगे हम, रिसर्च क्वेश्चन को छोटा करेंगे, बट बाउंड्री वही रहेगी. सी बाउंड्री वही रहेगी बट रिसर्च क्वेश्चन को छोटा करेंगे हम. एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्च गैप को ही छोटा करेंगे हम, बाउंड्री वही रहेगी, रहेंगे उसी की दायरे में. सी देखिए रिसर्च जो गैप है ये रिसर्च क्वेश्चन के दायरे से बाहर नहीं जा रहा है, और जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है रिसर्च गैप्स के दायरे से बाहर नहीं जा रहे हैं सर, उसी दायरे के अंदर अंदर काम करेंगे. इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए. आगे का सारा जो एक पूरा रिसर्च पेपर है वो इसी पे बेस्ड रहेगा. नाउ लेट्स लर्न. अभी तक हमने 15 टॉपिक्स कुछ निकाले, उसमें से एक फाइनलाइज किया, उसको नोवेल्टी सर्च कर ली थी हमने कल. एंड नाउ वी विल लर्न हाउ टू स्टार्ट रीडिंग अ रिसर्च पेपर. फाइन. सबसे पहले मैं आपको टूल्स बता दूं जो अवेलेबल है हमारे पास रिसर्च पेपर को रीड करने के लिए. बट माय सजेशन दो टूल्स है हमारे पास सर, एक चैट जीपीटी और एक चैट जीपीटी का एक एक्सटेंशन आया है साई स्पेस को पायलट. आई विल लेट यू नो हाउ टू यूज देम. बट सी माय सजेशन, सबसे पहले आप खुद रिसर्च पेपर को पढ़िए एटलीस्ट 5. अभी 5 से पहले इनका यूज मत लेना. मैडम अगेन सेइंग यू, 5-7 पेपर अच्छे से पढ़ने से पहले डोंट यूज दीज टूल्स. ये उसके बाद काम आएंगे. अगर पहले काम लोगे तो आपका बेस कच्चा रह जाएगा, बेस नहीं बन पाएगा आपका. तो फर्स्ट 5 पेपर्स आपको खुद रीड करने हैं. आई एम टेलिंग यू हाउ टू रीड देम. फर्स्ट रीड द टाइटल ऑफ द पेपर एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स इन आवर इंटरेस्ट एरिया और नॉट. लेट अस से मैंने जो 15 टॉपिक फाइनलाइज किए थे उसमें से एक टॉपिक निकला मोबाइल बैंकिंग का. एंड आई थॉट ऑफ कि यार ये टॉपिक नया है एंड मैं इस पे काम करूंगा, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है ये वाला. दैट इज फाइन. तो इसके बाद मैं क्या किया, मैं गया गूगल स्कॉलर पे.
मैंने ओपन किया गूगल स्कॉलर और इसमें मैंने सर्च किया अपना कीवर्ड मोबाइल बैंकिंग। ओके, अब आप देखेंगे कि मोबाइल बैंकिंग में काफी सारे रिजल्ट्स हैं, एनी टाइम कर रहा हूं मैं, काफी सारे रिजल्ट्स हैं। मतलब अभी भी मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है वो ब्रॉड है, अभी नदी जितना आ गया है, समुंदर तो नहीं है, नदी आ गया। नाउ अब मैं इसमें से टाइटल से डिफाइन करूंगा वेदर आई नीड टू गो फॉर दिस पेपर और नॉट। सी मोबाइल बैंकिंग का लिटरेचर रिव्यू, इसका मतलब इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू मतलब इसके अंदर मुझे बहुत सारी स्टडीज मिलेंगी और बताया होगा कि किस स्टडी ने क्या क्या किया अभी तक। बट ये पेपर है 2015 का, मैं इसको रिफाइन करता हूँ सिंस मैं रिसेंट पेपर पे जाता हूँ, एक बार 2023 पे आ गया मैं। हाउ डज परसीव्ड रिस्क एंड ट्रस्ट अफेक्ट मोबाइल बैंकिंग एडॉप्शन, एम्पीरिकल एविडेंस फ्रॉम इंडिया। सर अभी मुझे इसके टाइटल को देख के लग रहा है कि इसके अंदर कुछ एक वेरिएबल है परसीव्ड रिस्क, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, और ट्रस्ट तो मुझे पता है कि हाँ किसी पे विश्वास करना। अफेक्ट मोबाइल बैंकिंग एडॉप्शन, क्यों मोबाइल बैंकिंग जो लोग एडॉप्ट कर रहे हैं उसको कैसे अफेक्ट करेगा, और ये स्टडी है इंडिया की, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है ये पेपर मैं रीड कर सकता हूँ। बट जब मैंने चेक किया कि ये तो अच्छा पेपर नहीं है सर, MDPI ने लिखा हुआ ये, और ये कोई अच्छा जर्नल नहीं है, सो आई चेक फॉर अ गुड जर्नल। तो यहाँ देखा मैंने एमराल्ड ने एक पेपर लिखा हुआ है, और इसमें क्या लिखा हुआ, सी अगेन आई विल स्किप दिस पेपर, मैं इसको भी स्किप कर दूंगा, MDPI ने लिखा है, आई डोंट नो व्हाट इज MDPI, मुझे सिर्फ अच्छे पेपर रिसर्च रीड करने हैं। नाउ हियर एमराल्ड ने सर ये पेपर लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बैंक मार्केटिंग। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि सर ये ABDC लिस्ट में है या नहीं है, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैंने ABDC लिस्ट ओपन करी, इसमें कंट्रोल एफ किया और सर्च किया। सो मैंने एक्सेल शीट ओपन करी, ABDC लिस्ट, मैं यहाँ पे गया और मैंने अपना जो है जर्नल का नाम सर्च किया। सी अभी भी यहाँ पे नहीं है, बट स्टिल अच्छा एक स्पेस का एरर था यहाँ पे। सर ये याद रखना, अगर यहाँ पे एक स्पेस अगर पहले आ जाएगा बाद में आ जाएगा तो आपको नो रिजल्ट शो करेगा वो, तो इसीलिए मैंने जो यहाँ पे स्पेस था उसको हटाया, जो इससे पहले स्पेस था एक यहाँ पे इसको हटाया, फिर सर्च किया एंड यस इट इज हेयर। सर ये एक कैटेगरी का पेपर है ये, मतलब कि पेपर इज गुड, नाउ आई कैन गो फॉर दिस पेपर। ठीक है, तो अभी नाम पे जाता हूँ पहले मैं, एक्सप्लोरिंग मोबाइल बैंकिंग एडॉप्शन एंड सर्विस क्वालिटी फीचर्स थ्रू यूजर जनरेटेड कॉन्टेंट, द एप्लीकेशन ऑफ अ टॉपिक मॉडलिंग अप्रोच टू गूगल पे स्टोर। मुझे नाम से पता लग रहा है कि कुछ मोबाइल बैंकिंग एडॉप्शन की बात की गई है, कुछ सर्विस की क्वालिटी की बात की गई है, और इसको कुछ मॉडल बनाया इन्होंने गूगल पे गूगल प्ले स्टोर में। मैं इसको ओपन करता हूँ, अभी 2023 क्या माइट बी इट विल बी नॉट एक्सेसिबल टू अस, बट स्टिल हम चेक करते हैं एक बार। अच्छा एक कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा कि हाउ टू डाउनलोड पेपर फ्रॉम DOI। सर ये DOI नंबर दिया हुआ है आपको, ये वाला DOI नंबर, ये लिंक दिया हुआ है, अगर कहीं ना मिले तो कंट्रोल एफ करके DOI सर्च कर लेना, आपको DOI मिल जाएगा, अगर ना दिखे तो सर इसको कॉपी कीजिए, प्लीज कॉपी इट। मैंने डे टू की स्लाइड में स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है इसका, ओपन दी साई हब ओपन कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए DOI नंबर आपका एंड ओपन। सर ये अवेलेबल नहीं है यहाँ पे अभी पेपर, मींस अभी ओपन एक्सेस नहीं हुआ है पेपर, स्टिल मेरे पास इसका एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल है मेरे पास इसका। मैं इसको रीड करना स्टार्ट करता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है, सी पर्पस ऑफ द पेपर, मींस इसका प्रॉब्लम क्या थी इस पेपर की, ये बताएगा हमको द प्राइमरी पर्पस। मेरे साथ प्लीज रीड कीजिए इसको, ऑफ दिस रिसर्च इज टू एनालाइज द ऑनलाइन यूजर रिव्यूज, मींस जो रिव्यूज मिलते हैं उनको, व्हाइल रियल कस्टमर एक्सपीरियंस कैन बी ऑब्जर्व विद टेक्स्ट माइनिंग एंड मशीन लर्निंग अप्रोचेस। उन्होंने रिव्यूज को एनालाइज किया है कुछ मशीन लर्निंग लगा के, विच आर सीन एज अ गैप इन द लिटरेचर रिव्यू। सी मैंने हमने बात की थी रिसर्च गैप, इन्होंने बोला है
कि जो ऐसे ऑनलाइन रिव्यूज हैं उनको उन्होंने मशीन लर्निंग से कभी भी एनालाइज नहीं किया किसी रिसर्चर ने, तो इनका पर्पस क्या है, इस गैप को फिल करना है। सी आपको बिल्कुल इंग्लिश सिंपल भाषा में बता रखा है कि गैप क्या था पेपर का। तो आपने क्या करना है, आप पेपर पे इसका टॉपिक का नाम लिखिए, प्लीज राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, नेम ऑफ द जर्नल लिखिए, ठीक है सर, कौन सी कैटेगरी में एबीडीसी अगर है तो वो लिख लीजिए। आफ्टर देन सी आप लिखिए व्हाट इज द रिसर्च गैप, सो दिस वाज द रिसर्च गैप, उन्होंने इसको फिल किया। दिस स्टडी एम्स टू कंपेयर द लेटेंट थीम्स अनकवर्ड बाय द टॉपिक मॉडलिंग अप्रोच विच स्टडीज फोकस्ड ऑन बोथ मोबाइल बैंकिंग एडेप्शन एंड सर्विस क्वालिटी फीचर्स, suggest new aspects and examine the effect of latent topics on customer satisfaction. See, थोड़ी सी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि latent की बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है, अगर समझ आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो please copy this one, open the chat GPT में सर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे पता नहीं लगेगा कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, try chat GPT पे, then you will go here, ऐसा कुछ एक आपको ओपन हो जाएगा एक पेज, यहाँ पे अपना टेक्स्ट पेस्ट कीजिए और एक एंट्री के बाद बोलिए राइट इट इन सिंपल लैंग्वेज, वो इंग्लिश में ही देगा, आप लैंग्वेज बदल सकते हैं अपने हिसाब से। द स्टडी कंपेयर्स द थीम्स फाउंड थ्रू एनालाइजिंग डेटा विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू प्रीवियस स्टडीज अबाउट People using mobile banking and what they like about it. See, कितना easy language में बता दिया कि जो लोगों ने mobile banking में reviews डाले, उन्होंने उसको different themes में convert करके analyze किया है. The goal is to find new information and see how these themes affect customer satisfaction. और इन themes का effect वो देख रहे हैं कि customer कैसे satisfy होता है, उन themes में से निकालेंगे वो चीजें कि customer को क्या क्या चीजें satisfy करती हैं. कितना simple आपको बता दिया इन्होंने. सेम वे आप सी आपको शुरू में क्या क्या रीड करना है, मैं फिर से इस टॉपिक पे आ रहा हूं, यू नीड टू रीड द टाइटल ऑफ द पेपर। टाइटल रीड करने से आप देखिए कि पेपर मेरे काम का है कि नहीं है, अगर टाइटल से नहीं समझ आ रहा है तो एब्स्ट्रैक्ट रीड कीजिए एंड उससे पता लगाइए कि ये पेपर मेरे इंटरेस्ट का है या नहीं है। अगर इंटरेस्ट का है तो प्लीज रीड इट, अगर इंटरेस्ट का नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, अगला टाइटल पिक कीजिए, बहुत सारे पेपर्स हैं आपके पास, पिक द नेक्स्ट टाइटल, उसका टाइटल रीड कीजिए, इंटरेस्ट का है तो पढ़िए, नहीं समझ आ रहा टाइटल रीड द एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है, देन गो फॉर इट, रीड दैट, एल्स डू नॉट रीड दैट। आपको ऐसे पेपर्स को स्किप करना है, ऐसा नहीं करना है कि पूरा पेपर रीड किया फिर समझ आ रहा है तो मेरे काम का ही नहीं है, आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लेंगे और कुछ निकल के नहीं आएगा, कुछ भी निकल के नहीं आएगा। I thought you are clear कि कौन सा पेपर पिक करना है और कैसे करना है। तो हमने टाइटल रीड किया, now we read the abstract of the paper। समझ आया तो अच्छी बात, नहीं तो AI tools की हेल्प लेके उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिए। And you can also convert it into any other language। Let us say, translate it into Hindi। See? He is translating it into Hindi. Translate it in Urdu. वो उसको उर्दू में भी translate करेगा. No issues. But see, technology ने हमारा काम easy कर दिया है. But I surely recommend you ये काम जितना हो सके मत करना. क्योंकि आपने अभी example देखा यहाँ पे कि हाउ अकेडमिक लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल लैंग्वेज, दिस इज अकेडमिक लैंग्वेज एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो हम रीड करते हैं बुक्स में, नॉवेल्स में रीड करते हैं, इट इज वेरी डिफरेंट। अगर आप इसकी आदत नहीं पाएंगे तो आप ऐसा लिख भी नहीं पाएंगे, आदत नहीं पाएंगे तो लिख भी नहीं पाएंगे, इसीलिए ट्राई आप इसी लैंग्वेज में समझिए उसको। हाँ, कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, कुछ जार्गन्स नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स नहीं समझ में आ रही है तो सर्च फॉर इट, बट एल्स रीड इट इन द लैंग्वेज इट इज गिवन, ऐसे रीड कीजिए क्योंकि
आपको कल को लिखना भी है ऐसे, अभी से आदत पाएंगे तभी कल को लिख पाएंगे ऐसे, ऐसे नहीं लिखेंगे तो अच्छे अच्छे जनरल पेपर एक्सेप्ट चांसेस कम हो जाएंगे। अकेडमिक राइटिंग है सर ये, यहाँ पे सिंपल इंग्लिश नहीं चलेगी बिल्कुल भी। इसीलिए सो नाउ वी आर ऑन कि हमने एब्स्ट्रैक्ट को रीड किया, और उसमें सर मैं आपको फिर से कह रहा हूँ मेक अ हैबिट कि आप रिसर्च पेपर्स को कॉपी में लिखिए। एक्सेल तो बनाइए बनाइए, मैंने आपको मना नहीं किया एक्सेल बनाने से, प्लीज बनाइए, बट कॉपी में डेफिनेटली लिखिए, डेफिनेटली लिखना है। क्या क्या लिखना है? टाइटल लिखना है हमें उसका, हमें उसका जर्नल का नेम लिखना है, हमें उसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है कि उसने एब्स्ट्रैक्ट में क्या बताया, हमें उसमें क्या लिखना है कि उसका रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी वो लिखना है। आपको रिसर्च, आपको एक पेपर के अंदर रिसर्च प्रॉब्लम ही मिलेगी, आप ऐसा मत सोचिए कि वो मतलब वो रिसर्च प्रॉब्लम को थोड़ा सा डिफाइन करके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बता देगा, बट क्लियरली डिफाइन नहीं होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, फिर वहां से नैरो डाउन करके वो रिसर्च गैप बता रहा है, फिर वहां से नैरो डाउन करके आपको रिसर्च ऑब्जेक्टिव बता रहा है, क्लियरली नहीं लिखा होगा, पढ़ना दिया कैसे होगा, इनडायरेक्टली दिया होगा, और वी विल लर्न इट कि वो इनडायरेक्टली को कैसे रीड करना है, बट डायरेक्टली हेडिंग में नहीं दिया होगा कि रिसर्च प्रॉब्लम ये है, रिसर्च गैप ये है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये है। डोंट एक्सपेक्ट इट, इट्स एन एकेडमिक लैंग्वेज, अगेन आई एम सेइंग यू। इसीलिए जब हम रिसर्च पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं वी फील वेरी मच अनकंफर्टेबल, क्योंकि एकेडमिक लैंग्वेज की हमें आदत नहीं होती है। इसीलिए मैंने कहा आपको कि सर 15 पेपर से पहले मत सोचना कुछ समझ आएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट आ जाएगा समझ, राइटिंग इज एकेडमिक, उसका फ्लेवर आपको आने में 10-15 दिन लगेंगे, 10-15 रिसर्च पेपर्स आपको लगेंगे वो फ्लेवर समझने में आपको, आफ्टर देन यू विल बिकम कंफर्टेबल विद दैट। नाउ एब्स्ट्रैक्ट रीड किया सर, पेपर पता लग गया कि पेपर अच्छा है सर, वी हैव टू रीड दिस। नाउ सी मैं अपना एक पेपर आपको ओपन करके देता हूँ सिंपल सा, लेटर से मैंने आपको भेजा भी था मेटा एनालिसिस पे एक पेपर। सो मैंने टाइटल रीड किया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट रीड किया, अब नाउ आई एम क्लियर कि मुझे पेपर रीड करना है, और दिस इज एन ए कैटेगरी पेपर, बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ए कैटेगरी का पेपर है, टेलर एंड फ्रांसिस का। ओके नाउ सर ध्यान से देखिए आप इस पेपर को, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन को देखिए आप, जस्ट नोटिस इट सर, नॉट विजिबल। ओके थैंक यू गुंजन सर फॉर लेटिंग मी नो, वेलकम सर। नाउ इज इट विजिबल सर? यस सर विजिबल। ओके तो मैंने बोला कि सी ये एक पेपर है ए कैटेगरी का, बिहेवियर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ए कैटेगरी पेपर, टेलर एंड फ्रांसिस का पेपर है, एंड ये उसका नेम है। आई रेड द नेम, मुझे लगा कि यस एम कॉमर्स पे है तो मेरे काम का पेपर है, मोबाइल कॉमर्स से रिलेटेड है। देन मैंने आई रीड दिस एब्स्ट्रैक्ट एंड मुझे समझ आ गया सिंपल लैंग्वेज में कि हाँ इसने क्या किया हुआ है। नाउ जस्ट सी द इंट्रोडक्शन, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है, जस्ट नोटिस द हाइलाइटेड पोर्शंस। आपको दिख रहा होगा कि मैंने बहुत जगह बीच बीच में हाईलाइट करी हुई है, बहुत जगह बीच बीच में हाईलाइट करी हुई है। सी पहला इसका मतलब क्या है कि आपको पेपर लाइन टू लाइन पढ़ना है, यू डोंट नीड टू स्किप एनी लाइन, लाइन टू लाइन पेपर पढ़ना है आपको। सी सर एक एक लाइन। अब नाउ आपको कैसे रीड करना है एट द स्टार्टिंग स्टेज, लेट मी टेल यू, आपको इंट्रोडक्शन सारी पढ़नी है। सी ध्यान रखना सर, इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू आपकी स्टडी का बेस है, बेस। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना बेस स्ट्रांग होगा, एंड सेम लाइक चाइनीज बैम्बू उतना अच्छा आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इंट्रोडक्शन आपको रीड करना है। सी आपको पैटर्न पता लगेगा जब आप रीड करेंगे ना, 5-7 पेपर्स अच्छे से
then you will get to know about the pattern. मैं आपको पैटर्न बताता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे लगता है. स्टार्टिंग में हर एक रिसर्च पेपर क्या करेगा, एक वर्ल्ड ब्रॉड लेवल पे बात करेगा, वर्ल्ड लेवल पे बात करेगा. कैसा भी पेपर ले लीजिए आप, चाहे वो लॉ का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, किसी भी चीज का हो, दे विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड लेवल. द वर्ल्ड हैज विटनेस्ड इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स इन मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी इन द लास्ट टू डिकेड्स. सी, वर्ल्ड लेवल पे बात करेगा. अभी इसने क्या किया, सर ये राइटिंग का स्टाइल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे राइटिंग लिखते हैं, ये भी सीख लीजिए. यहाँ पे कभी भी हम कुछ लिखते हैं ना, तो सेम ऐसा ही लिखते हैं जैसा ये मैंने आपको दिखाया. पहले बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे बात करेंगे, उसको नैरो डाउन करेंगे फिर थोड़ा सा, और फिर उसको बिल्कुल बारीक कर देंगे जहां पे हम उसको लाना चाहते हैं, जहां पे हम उसको लाना चाहते हैं. बट बात सर हमेशा शुरू में ब्रॉड ही करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे. नाउ सी, इसने वर्ल्ड की बात करी यहाँ पे कि वर्ल्ड हैज विटनेस्ड. फिर यहाँ पे भी यही बात कर रहा है, पेनिट्रेशन एंड द ग्रोथ पॉपुलैरिटी ऑफ मोबाइल डिवाइसेस है, उसने बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करी, मैनी पीपल हैव स्मार्टफोन्स, ऐसा वैसा सब उसके बारे में बताएगा. अभी यहाँ पे क्या था, मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी की बात करी थी, देखिए इसने, राइट. बट यहाँ पे आते आते क्या हो गया, ये द एक्ट ऑफ बाइंग इज नोन एज मोबाइल कॉमर्स. अब ये मोबाइल कॉमर्स पे आ चुका है सर. मोबाइल एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, मोबाइल कॉमर्स उससे नैरो डाउन टॉपिक है, तो ये मोबाइल कॉमर्स पे आ गया, क्योंकि ये लाना ही आपको मोबाइल कॉमर्स पे चाहता था. देखिए टाइटल का नाम मेटा एनालिसिस ऑफ एम कॉमर्स मींस मोबाइल कॉमर्स. इसने डायरेक्टली बात नहीं करी, इसने वर्ल्ड लेवल की बात करी कि मोबाइल क्या चल रहा है. फिर इसने मोबाइल डिवाइसेस की बात करी कि कैसे वो पूरे वर्ल्ड में उसका जो है नंबर्स बढ़ रहे हैं. Then he came to mobile commerce, narrow down किया उसने topic को. फिर mobile commerce के बारे में बताया कि वो क्या होता है, कैसा होता है. Thus, m-commerce is a business model that facilitates the users to carry out business. उसके बारे में बता रहा है सब कुछ, ठीक है. mobile commerce के बारे में सब आपको बता रहा है यहाँ पे. Additionally, it also provides new opportunities. वही सब उसके बारे में बता रहा है, ठीक है. सी, ध्यान से देखिए, यहाँ पे उसने world level पे बात करी, अपने topic को introduce किया, थोड़ा सा नैरो डाउन किया, और फिर इसके बारे में आपको और डिटेल बताई एम कॉमर्स के बारे में. फाइन, नाउ सी, अभी इसके टाइटल में क्या था, कॉन्टिन्यूस इंटेंशन की बात कर रहा है. सर मैं आपको ये वर्ड टॉपिक, ये वर्ड क्लियर कर देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है. लेट सर, इंटेंशन होती है कि आपका, आपको क्या लगता है, आपकी क्या इंट्यूशन है. ये इंटेंशन वर्ड बना इंट्यूशन से. इंट्यूशन होता है कि यार मुझे लग रहा है कि बारिश आने वाली है, आपको इंट्यूशन हो रही है, मतलब मुझे लगता है कि मेरा फ्रेंड आने वाला है, मतलब आपको इंट्यूशन हो रही है, लग रहा है. अब ये कॉन्टिन्यूस वहां से वर्ड इंटेंशन, ये आपको कैसा लगता है. लेट अस से मैं आईफोन यूज कर रहा हूँ और मुझे क्या लगता है कि मैं आगे इसको यूज करूंगा, तो मतलब कॉन्टिन्यू, मतलब कॉन्टिन्यूस मैंने कॉन्टिन्यू वर्ड से, तो क्या लगता है कि आपकी इंटेंशन कि आपको कॉन्टिन्यू यूज करोगे. आप इंटेंशन मेजर कर रहे हैं सिर्फ आपकी सोच कि आपको क्या लगता है, समझ रहे हैं. तो इसने क्या करना है कि सर आप मोबाइल कॉमर्स का मतलब होता है कि मोबाइल बैंकिंग भी आ गया, इंटरनेट बैंक, मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आप मोबाइल के थ्रू करते हैं, वो सब आता है मोबाइल कॉमर्स में. मतलब जितना भी व्यापार मोबाइल के थ्रू होता है वो आता है मोबाइल कॉमर्स में. अब आप ये चेक करना चाहता है कि जो मोबाइल कॉमर्स है, बींग इट मोबाइल बैंकिंग, बींग इट इंटरनेट बैंकिंग, बींग इट UPI सर्विसेज, आपको उसको कॉन्टिन्यू यूज करने की इंटेंशन क्या है, आपकी क्या लगता है कि आप यूज करेंगे कि नहीं करेंगे. आप उसको इसके यहाँ पे आपको वो लाना चाहता है. तो पहले उसने एम कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया धीरे धीरे करके, यहाँ पे उसके बारे में बताया. अब आपको कहाँ लेके आएगा, CI कॉन्टिन्यूस इंटेंशन पे लेके आएगा. तो देखिए कैसे, द लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय इट्स कॉन्टिन्यूस यूजेज इंस्टेड ऑफ इट्स इनिशियल एडॉप्शन. कह रहे भाई कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसकी सक्सेस कैसे मेजर होती है, उसको कॉन्टिन्यू यूज करने से, नॉट बाय इट्स एडॉप्शन. सिर्फ आपने उसको खरीद लिया, उससे सक्सेसफुल नहीं हुई वो चीज जब तक उसे कॉन्टिन्यू यूज नहीं करेंगे. सी, देखिए अपने नैरो डाउन पे वो खुद ला रहा है आपको जानबूझ के ऐसे करके. फिर उसके बारे में दो चार बातें और बताएगा, उसी कॉन्टिन्यूस इंटेंशन के बारे में बताएगा. The ultimate success of m-commerce depend on the enhancement of user satisfaction and continuous usage. ठीक है, अब उसके बारे में दो चार पॉइंट्स और जोड़ेगा यहाँ पे, ये उसी के बारे में. अब लास्ट में क्या बता रहा है कि
पढ़ने की जरूरत क्या है स्टडी को. सी हेंस प्रैक्टिशनर्स एंड रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द कॉन्टिन्यूस इंटेंशन फॉर एम कॉमर्स. मतलब सारी कहानी बता के इसने ये बता दिया कि भाई जो रिसर्चर्स हैं उनको जरूरत है इस चीज की कि वो इस चीज को रीड करें. समझ रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ. इंट्रोडक्शन से हमें क्या क्या पता लगा देखते हैं. हमें पता लगा कि एम कॉमर्स क्या होती है, हमें पता लगा कि वर्ल्ड लेवल पे मोबाइल की क्या किस लेवल पे है मोबाइल कॉमर्स. हमें उस मोबाइल कॉमर्स के बारे में डेफिनेशन पता लगी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है. सी द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मोबाइल डिवाइसेज इज नोन एज मोबाइल कॉमर्स. हमें डेफिनेशन पता लगी ये वाली. प्लीज आपको ये डेफिनेशन नोट डाउन करनी है हर एक चीज की. मैं आपको अपनी एक्सेल शीट दिखा देता हूँ. आई हैव नोटेड मैनी डेफिनेशंस. मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड दीजिए. जो मैंने कल आपको एक्सेल शीट दिखाई थी अपनी, लेट मी शो यू. सर आपको मेरी एक्सेल शीट विजिबल है? विजिबल सर. थैंक यू. सी सर, मैंने ये लिटरेचर रिव्यू तो किया था इतना सारा, है ना. इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक बार. ये मैंने सर टर्म्स, सी इम्पोर्टेंट टर्म्स. अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा इसको. जो मुझे मोबाइल्स में डेफिनेशन मिली वो मैंने सर यहाँ पे लिखी. देखिए परसीव्ड यूजफुलनेस का मतलब क्या होता है, परसीव्ड ईज ऑफ यूज. ये मेरे कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेशन है सर. जो कॉन्सेप्ट है उनकी डेफिनेशन आपके कॉन्टेक्स्ट में भी मिलेंगी आपको बहुत सारी. मैंने सर ये सारी डेफिनेशन नोट डाउन करी हैं, सारी डेफिनेशन नोट डाउन करी हैं. देखिए मेरे वेरिएबल्स पे. और तो और सर मैंने थ्योरीज भी नोट डाउन करी हैं. आई वे सी मैंने वैसे ये थ्योरीज एक्सेल में बनाई हैं कि कौन सा वेरिएबल किस पे इम्पैक्ट कर रहा है. जरूरी नहीं है कि आपके कॉन्टेक्ट में थ्योरीज यूज होती हों, बट ये सोशल साइंसेज में होती हैं, थ्योरीज यूज होती हैं. मैंने इसको एक्सेल में बनाया, इसका स्क्रीनशॉट अटैच किया बकायदा कि हर एक थ्योरी का क्या मॉडल बनता है. देखिए बट आपको ये करने की जरूरत नहीं है. आई हैव अ सॉफ्टवेयर फॉर यू जिसपे आप इन सब चीजों को आराम से निकाल सकते हैं. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर ये सब पॉसिबल जो हुआ ना, ये सब पॉसिबल हुआ उसी इंट्रोडक्शन पढ़ने से और उसी लिटरेचर रिव्यू पढ़ने से. जी सर ये सारे वेरिएबल्स हमने निकाले यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स निकाली हमने, ये मॉडल मेरा पहले का मॉडल था मैंने जो प्रपोज किया था वो निकाला, उसके ऊपर क्या क्या मिला मुझे वो सब निकाला मैंने, ये लिटरेचर रिव्यू निकाला. तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है. सी आई वॉज हैविंग नो गाइडेंस. मुझे उस टाइम पे गाइडेंस नहीं थी. जैसे जैसे गाइडेंस मिलती गई मेरे गाइड सर ने मुझे, ये इससे पहले की बातें हैं सारी मेरे, मुझे गाइड करने से पहले की बात. बट जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिलती गई वैसे वैसे मुझे पता लगा कि शायद जो मैं टाइम और चीज़ों में लगा रहा था मुझे नहीं लगाना चाहिए था. दैट इज़ वाई वी आर कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप कि आपको ये चीज़ें पता लग सके, हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो सर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने से आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है. और जो अच्छी लाइन लगे आपको इसमें से, जो डेफिनेशन मिले उसको पेज पे नोट डाउन कर लेना है, उसको पेज पे नोट डाउन कर लेना आपने. आपको यहाँ पे मिला कि रिसर्च क्वेश्चन मिल गया, अभी दिखाऊंगा रिसर्च क्वेश्चन कहाँ लिखा हुआ है इसने. ठीक है तो सर ये देखिए अभी यहाँ पे इसने सारी बात करी कि मतलब बहुत सारी स्टडीज हुई हैं यहाँ पे, ऐसा मिला वैसा रिसर्च मिला, किसी ने पॉजिटिव रिजल्ट फाउंड किया, किसी ने नेगेटिव रिजल्ट फाउंड किया. सी यहाँ पे इसने हेयर नाउ ही विल राइट हिज रिसर्च क्वेश्चन. इससे पहले इसने बताया कि दो वेरिएबल्स हैं, उसके बीच में बहुत सारी स्टडीज ने पॉजिटिव इफेक्ट पाया, बहुत सारी स्टडीज ने नेगेटिव इफेक्ट पाया. सच वेराइंग आउटकम्स ब्रिंग अप अ क्रिटिकल क्वेश्चन. सर यहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन बोलने वाला ही अपना, ऑफ वेदर दिस डिस्क्रिपेंसी इज बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग मेथोडोलॉजिकल प्रॉब्लम और लैक ऑफ फिटमेंट ऑफ ECM. सर ECM इज अ थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम कॉमर्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम कॉमर्स. अब यहाँ पे ये लाएगा, देखिए ध्यान से. Moreover, the varying findings build confusion. तो ये ऐसा बोल रहा है कि studies confusion create कर रही है, इसीलिए हमको an in-depth review of existing research reveals that there is a growth interest in the M-commerce research
और यहाँ पे डर्थ का मतलब होता है कमी, कमी है मेटा एनालिसिस की, कि उसको इन्वेस्टिगेट करने की। तो इसने प्रॉब्लम अराइज कर दी कि इस चीज की कमी है, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। समझे सर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे इंट्रोडक्शन में से ही आपको बेसिक्स क्लियर होंगे, बहुत सारे डेफिनेशन मिलेंगी बेसिक चीजों की, और आपको उसमें से रिसर्च गैप्स मिलेंगे। ये तभी समझ आएगा, एक बारी में नहीं समझ आएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, ये 5-7-10 पेपर अच्छे से रीड करोगे तभी समझ आएगा। अगर उससे पहले छोड़ दिया ना अपने रिसर्च पेपर को पढ़ना, सिर्फ मन को तो सर मारना पड़ेगा, मारना ही पड़ेगा। खाना मत खिलाओ, बोलोगे एक रिसर्च पेपर की इंट्रोडक्शन पढ़ फिर खाना खिलाऊंगा, अपने आप रीड करेगा। यहाँ तो मन को समझाने वाली बात है, जिसमें मजा आएगा उसमें टाइम नहीं पता लगने देता, जिसमें मजा नहीं आता, जहाँ पे दिमाग चलता है ना, आपका दिमाग चलता है वहां, ये मन आपको रोक देगा, आलस लाएगा, नींद लाएगा। तो इसको लड़ना नहीं है, इसको बोलो कि भैया ये पहला, ये पहला पहला ये वाला भाई हाफ पेज, ये हाफ पेज खत्म कर दे, फिर तुझे मैं कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा। अभी इसके बाद पिलानी नहीं है कोल्ड ड्रिंक, इसके बाद इसको बोलो अभी नहीं, अभी नहीं, ये एक और रीड कर, फिर तेरे को मैं कोल्ड ड्रिंक के साथ चिप्स भी खिलाऊंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, कैसे उसके साथ आपको डील करना है। लड़ेंगे तो फिर वो धक्का करेगा, आपको यही बोलता है ना कि नहीं आज इसे पेपर ओपन किया, बोलेगा नहीं यार कल पढ़ेंगे इसको। वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं इसको नहीं पढ़ना है, ये नहीं बोलेगा। सुबह उठेंगे, ये नहीं बोलेगा नहीं उठना है, नहीं यार 5 मिनट और ना। ऐसे आपने इसके साथ करना है कि एक पैरा रीड किया, यहाँ तक रीड कर लिया, कि नहीं यार ये पैरा रीड कर, फिर आप बढ़िया पनीर मखनी खा के आएंगे मस्त। ऐसे जिसके लिए वो लालच करता है उसको पहले बोलो काम कर, हाँ एक पेपर रिसर्च रीड कर लिया और जाओ खिला पिला के लाओ मस्त इसको। बट एक पेपर रोज का तो रीड करना पड़ेगा, अपना एक टारगेट बांध लो कि एक पेपर कम से कम रोज का आप रीड करो, उसको 2-3 पे आप ला सकते हो। तो ऐसे ही आप इंट्रोडक्शन रीड करेंगे, उसमें आपको थ्योरेटिकल बैकग्राउंड मिलेगा, अगर कोई थ्योरी यूज करी है मतलब बेस क्या ली है उसने, उसको आपको पता लगेगा इसी के अंदर, इसी इंट्रोडक्शन में ही पता लगेगा आपको। दैट इज वाई इंट्रोडक्शन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो बेस बना रही है आपके लिए। आप सर इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे आपको ये सब मिलेगा, फिर आ गया सर लिटरेचर रिव्यू। ये लिटरेचर रिव्यू क्या बताएगा आपको कि कैसे वो दो वेरिएबल्स को लिंक कर रहा है, कैसे वो दो वेरिएबल्स को लिंक कर रहा है। यहाँ पे लिंक कर रहा है वो सेटिस्फेक्शन को, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन डेफिनेशन देगा आपको, आपको डेफिनेशन पता लगेगी, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन। फिर वो बाकी रिसर्च पेपर्स का बेस देगा कि उन्होंने ऐसा पाया, इन्होंने ऐसा पाया, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो उससे आपको पता लगेगा कि हाँ यार दो वेरिएबल्स के बीच में लिंक तो है, और कैसा लिंक है वो भी आपको पता लग जाएगा कि वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये लिटरेचर रिव्यू का पार्ट रहेगा यहाँ तक, हाइपोथेसिस बनाने से पहले। तो ये हाइपोथेसिस बन जाएंगे, आई विल डिस्कस कि हाइपोथेसिस क्या होता है, बट अभी तक आप समझिए कि आपको इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू कैसे पढ़ना है। अभी तक का कोई क्वेश्चन? सी मैं आपको अब एक्चुअल प्रैक्टिकल में लेके जा रहा हूँ। अभी तक की जो पहले बातें थी कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करते हैं, दैट इज फाइन, बट अब एक्चुअल काम कैसा करना है, आई एम टेलिंग यू दैट दीज थिंग्स। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, आस्क योर डाउट्स। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम। सर एक्चुअली कई बार के नहीं, कुछ पेपर्स में ना हमें इंट्रोडक्शन के बाद एक सब हेडिंग्स भी दी होती हैं। जैसे सर सब हेडिंग्स दी होती हैं ना, तो वो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं जो हम मॉडल्स में कंस्ट्रक्ट में यूज करेंगे उनके बेसिस पे बनाई जाती हैं, या क्या क्राइटेरिया होता है कुछ हेडिंग्स कैसे? मैम बताइए एक बार जरा, कोई एग्जांपल दीजिए मुझे। सर जैसे मैं एक बाइंग बिहेवियर पढ़ रही हूँ, okay. तो उसमें उस पेपर में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देख रखा है या और भी फैक्टर्स का देख रखा है, तो कुछ कुछ सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं कि सोशल मीडिया सेल्फ एफिकेसी ऐसे उनको स्टडी करने वाले हैं इसलिए बनाई गई हैं, या फिर मतलब सर थोड़ा डिस्कस कर सके कि क्या क्राइटेरिया होता है। सी मैम क्या होता है ना कि जो आप मॉडल वाले पेपर, जैसे हमने मॉडल वाला पेपर हम रीड कर रहे हैं ना, जो मॉडल वाला पेपर बनता है ना उसमें दो वेरिएबल्स के बारे में बताएंगे वो कि कैसे इंटरलिंक्ड है। सी आपको अभी इस लेवल पे नहीं पता है विच वेरिएबल टू टेक विच नॉट टू टेक। सी अभी तक तो हमने सिर्फ रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, हम
पेपर्स को रीड कर रहे हैं, एलआर हमने स्टार्ट की है, आप यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि हमें क्या वेरिएबल लेना चाहिए, क्योंकि यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग कि इसके वेरिएबल का मतलब क्या है, इस वेरिएबल के और कितने हिस्से हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मोटिवेशन। आपको क्या लगता है कि सबसे पूछ रहा हूँ मैं ये क्वेश्चन कि मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है, मोटिवेशन कितने टाइप्स का होता है, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ जी एकता जी, टू टाइप्स। कौन कौन सा मैम? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मतलब मैम? जो हमें लाइक विद इन होगा, उसके लिए कोई बाहर का रिवॉर्ड या कोई बाहर की फोर्स अलाउड मतलब की रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, जो मैं शौक से करूंगा, मतलब जो मैं शौक से करूंगा अपने, सिंपल लैंग्वेज। हाँ जी, वो इंट्रिंसिक होगा। इंट्रिंसिक मैम। And for extrinsic, we need some reward or something from outside. Okay, let's say मैं जॉब में हूँ और मुझे काम करना पड़ रहा था धक्के से, सैलरी लेने के लिए, ऐसा that is promotion लेने के लिए कुछ काम करना, मैं धक्के से, मेरे को मन नहीं कर रहा है बट मैं कर रहा हूँ, ऐसा है ना मैम? सी, मैं अब आपको बताता हूँ कि इंट्रेंसिक मोटिवेशन के अंदर और एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन के अंदर भी 4-5 सब टाइप्स होते हैं अंदर भी, बट वो पता कैसे लगेगा? With the help of introduction, with the help of literature review. That is why मैं आपको बोल रहा हूँ कि introduction, literature review बिना variable को select किए आपको read करना है, बिना variable को select किए। आपने mind में कुछ भी variable लेके नहीं चलना है कि मैं इसी variable पे काम करूँगा। हाँ हाँ, जैसे मैम, नेहा मैम, आपने बोला कि आप buying behavior पे काम कर रहे हैं, तो dependent variable आपका fix है। See, हमने research problem में dependent variable fix कर लिया था अपना, बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं फिक्स किया था कि किस चीज का इम्पैक्ट देखेंगे, ये नहीं फिक्स किया था, किस चीज पे देखेंगे ये देख लिया था। तो मतलब कि जैसे मान लो हैप्पीनेस की बात करूं, मुझे हैप्पीनेस मेजर करनी है, दैट इज फाइन, बट क्या चीज, क्या क्या चीजें हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करती हैं? कि लेट अस मेरी वाइफ है, उसका मूड मेरी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है, मेरी मदर है, उसका मूड मेरी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है, मेरा दोस्त है, उसका मूड मेरी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मेरा बच्चा है, उसका मूड मेरी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है, या मेरा कोई और प्रोफेसर है, उसका मूड मेरी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट करता है। मैंने ये डिफाइन नहीं किया सर, सिर्फ ये डिफाइन किया कि हैप्पीनेस को मेजर करना है। अभी ये कैसे डिफाइन करेंगे किसका मूड करता है? सर, ये लिटरेचर रिव्यू पढ़ो, पहले देखो, एक्सप्लोर करो कि कैसा कैसा किस किस बंदे का मूड मेरी हैप्पीनेस को अफेक्ट कर सकता है, फिर आई विल नैरो इट डाउन कि भैया मुझे इनमें से क्या देखना है। लेट अस से ये सेम ऐसा है जैसे हम बफे खाने जाते हैं, हम बफे खाने गए, आपके सामने शादी में गए, आपके सामने बहुत सारा खाना पड़ा है, बहुत सारा खाना पड़ा है, सब खाना है सामने आपके। नाउ यू सिलेक्ट कि मुझे मीठा खाना है, नमकीन खाना है, कैसा खाना है, स्पाइसी खाना है, कैसा खाना है। गेटिंग माय पॉइंट? आप ऐसा नहीं करते हो कि पहली डिश दिखी वो खा ली, दूसरी देखी वो खा ली, आगे वाली देखी नहीं, नहीं आप ऐसा कभी नहीं करते हो। आप पहले देख लेते हो कि साहब कौन कौन सी डिशेस पड़ी हैं, देन यू सेलेक्ट कि हाँ मुझे ये खानी है पहले, राइट? ऐसा ही रिसर्च में करना है। डिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स कर लिया हमने रिसर्च कैप में, हमने कल पढ़ा, बट अब आपको लिटरेचर रिव्यू बिना किसी बाउंड के, कोई भी दायरा नहीं रखना है उसका, कोई दायरा नहीं रखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल का दायरा रखना है बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का दायरा नहीं रखना है। आप करेंगे 20-30-40 पेपर रीड करेंगे, आई एम टेलिंग यू, अपने आप आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि मुझे क्या क्या चीजें इसमें लिंक कर सकता हूँ। ओके, यस मैम। हाँ जी सर, ठीक है सर। होप योर क्वेश्चन हैज बीन आंसर्ड। हाँ जी सर। यस मैम। बट सर, अगर हम जिस चीज को स्टडी करना चाह रहे हैं, अगर हम उसे ही इंडिपेंडेंट रख रहे हैं, मतलब मैम? सर फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई चीज स्टडी करनी है, मैं उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखूंगी और फिर उसका मैं इंपैक्ट देखूंगी कि सेटिस्फेक्शन पे, कमिटमेंट पे। नहीं 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 मैम, आप डिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स कीजिए, फिर देखिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फिर आप इंडिपेंडेंट का फिक्स कीजिए। उल्टा मत चलिए सर। फॉर एग्जांपल, मतलब जो हमें जिस चीज के बारे में अगर हमें पढ़ना है, मतलब हम उसे इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते हैं, डिपेंडेंट ही रखना पड़ेगा।
डिपेंड करता है वो कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सी आपका एरिया तो आपके स्पेसिफिक है ना आपके पास. Yes, sir. उस एरिया पे पेपर आपके पास, आपके कहने का मतलब कि आपके पास कीवर्ड्स हैं पड़े राइट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, तो आप उन दोनों कीवर्ड को सर्च करके फिर लिटरेचर सर्च कीजिए कि इनका आपस में कैसा कैसा रिलेशनशिप है, क्या क्या चीजें इनको इम्पैक्ट कर रही है या कैसे कैसे पेपर इस एरिया में लिखे हुए हैं. फिर आप उन उन पेपर्स को रीड कीजिए, फिर अपना आइडिया लेके आइए. गेटिंग माय पॉइंट? अगर सर जैसे हम उन्हीं पेपर्स को, यस मैम बोलिए बोलिए. सर जैसे हम उन्हीं पेपर्स को अगर रीड कर रहे हैं तो उसमें ही मतलब उन पेपर्स में ही उसे एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके उसका इंपैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम्स पे देखा है. फाइन, तो मतलब हम भी अपना मॉडल ऐसे बना सकते हैं जिसमें उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख के और ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम देखेंगे, बस वो सेम आउटकम हम नहीं रखेंगे, कोई और रख लेंगे. मैम आउटकम आपके हाथ में नहीं है ना, आप बना सकते हो, बट अगेन मैं वही कह रहा हूँ, आप दोनों वेरिएबल्स को ले लीजिए बट उसके ऊपर और लिटरेचर सर्च कीजिए ताकि आपको अच्छे आइडियाज मिल सके, आपको अच्छे से समझ सके, लिंक कर सके, आपको पता लग सके कि मैं कैसे अपने मॉडल को एक्सटेंड. मैं आपको दिखाऊंगा अपना सिनॉप्सिस अभी कि हाउ आई एक्सटेंडेड माई मॉडल, कि मैंने अपने मॉडल को कैसे एक्सटेंड किया जबकि उसमें बहुत सारी रिसर्चेस हो रखी है बहुत सारी. हम चलते हैं मैम आगे एक बार. सो हियर वी आर, तो हमने देखा कि हाउ टू रीड द इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन में से सर क्या क्या निकल के आएगा. अब हाउ टू रीड इंट्रोडक्शन, इसमें से क्या क्या चीजें निकल के आएंगी, क्या क्या हमको नोट डाउन करना है. यू हैव टू नोट डाउन द डेफिनेशंस, यू हैव टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट लाइंस, यू हैव टू नोट डाउन द रिसर्च गैप और प्रॉब्लम. ये आपको वहीं से मिलेंगे. नाउ लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है हमने देखा, और लिटरेचर रिव्यू में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको नोट डाउन यस करने हैं. थ्योरेटिकल बेस मतलब उसमें कोई थ्योरी यूज हो रखी है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एक्सेल में कैसे बनाया कि बहुत सारी थ्योरीज को लिखा और वो उसमें क्या चीज किस पे इम्पैक्ट डालती मैंने आपको दिखाया. यस आप उन थ्योरीज का नेम नोट डाउन कर लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी थ्योरीज हैं वो काम करती हैं और उस थ्योरी का मतलब क्या है. यू हैव टू सर्च फॉर इट, कि वो आपको LR में मिल जाएगा कि थ्योरी का मतलब क्या है, उसके वेरिएबल्स का क्या मतलब है, वो कैसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, आपको LR में ही मिलेगा उसका सब कुछ. नाउ 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 मेन पॉइंट, क्या रीड नहीं करना है, क्या रीड नहीं करना है. डू नॉट रीड रिसर्च मैथोडोलॉजी. सर इस लेवल पे रिसर्च मैथोडोलॉजी को आप स्किप कर दीजिए. डू नॉट रीड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सर आप एनालिसिस वाले पार्ट को छोड़ दीजिए. मैं आपको बताऊं मैंने क्या गलती करी थी अपने टाइम पे. आई टोल्ड यू कि फर्स्टली आई वॉज सर्चिंग पेपर्स ऑन बिहेवियरल फाइनेंस. सर उसमें कुछ इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल, इकोनोमेट्रिक्स रिग्रेशन का नेक्स्ट लेवल हायर लेवल जाता है जिसमें प्रेडिक्शन करते हैं चीजों की, ये सब चीजें करते हैं. दैट गोज इनटू इकोनोमेट्रिक्स, मींस इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स बिकम्स इकोनोमेट्रिक्स. ये काफी मैथमेटिकल काइंड ऑफ सब्जेक्ट है और इसमें काफी मतलब टूल्स वगैरह ये सब चीजें यूज होती हैं. तो मैंने क्या किया, आई स्टार्टिंग रीडिंग माय लिटरेचर रिव्यू ऑन बिहेवियरल फाइनेंस. अभी मैंने 3-4 पेपर रीड किए थे तो उसमें मुझे एनालिसिस वाला पोर्शन समझ नहीं आ रहा था. व्हाट आई डू, आई बॉट देयर्स अ वन फेमस बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स फॉर मिस्टर गुजराती समथिंग लाइक दैट. तो मैंने वो बुक ऑर्डर करी, आई रेड इट फॉर 1 month एंड यू नो मुझे उसमें से कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली. मैंने वहां पे अपना 1 महीना खराब किया. आई डोंट वॉन्ट कि आप लोग ये गलती करें. प्लीज आप एनालिसिस को छोड़ दीजिए. अभी आपका कोई सी अभी आप सिनॉप्सिस दे रहे हैं, अभी आप रिसर्च प्रपोजल दे रहे हैं, अभी पहले आप फ्रेमवर्क तो बना लीजिए. एनालिसिस का अभी कहाँ से आ गया, वो बाद की बातें हैं, वो 3 साल बाद देखेंगे आपकी प्रैक्टिकल में उसको कैसे मेजर करना है, क्या टूल लगाना है, वो चीजें बाद की बातें हैं. एज ऑफ नाउ प्लीज डोंट रीड द RM पार्ट, डोंट रीड द एनालिटिकल पार्ट. चाहे आप रिसर्च पेपर भी लिख रहे तो भी इवन देन पहले अपना प्रॉब्लम फाइंड आउट कीजिए, अपना ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट कीजिए.
वी विल मूव इट टू लेटर कि वो कैसे एनालाइज करना है कैसे करना है. ओके सो डू नॉट रीड द एनालिटिकल पार्ट, डू नॉट रीड द आरएम पार्ट. प्लीज प्लीज स्किप दिस. ये मस्ट है. डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस. नाउ अब आपको करना क्या है, रीड द डिस्कशंस, रीड द कंक्लूजन्स, रीड द लिमिटेशंस, रीड द फ्यूचर स्कोप पार्ट. सी मैं आपको बताऊंगा एक डिफरेंस जो बारीक है, विच इज वेरी प्रिसाइज, और आपको हर जगह से वो चीज नहीं मिल पाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्लूजन्स एंड डिस्कशंस. कंक्लूजन्स एंड डिस्कशंस. सी कंक्लूजन का मतलब होता है कि वो पूरा पेपर कंक्लूड करेगा आपको कि हमने ऐसा किया, फिर ये रिसर्च प्रॉब्लम थी, फिर हमने ऐसे डाटा एनालाइज किया, यहाँ से डाटा लिया, उसका ये रिजल्ट्स आया और ये इंटरप्रिटेशन आई. बट डिस्कशंस क्या बोलता है, सी यहाँ पे आपने एनालाइज किया डेटा को, आपने कुछ भी हाइपोथेसिस लिए, वो एक्सेप्ट हुए या रिजेक्ट हुए. मैं एक बार थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको. यहाँ पे आपने हाइपोथेसिस लिए, मैं बताऊंगा हाइपोथेसिस होता क्या है. बस सिंपल मान लो कि हाइपोथेसिस होता है कि अजम्पशंस. अजम्पशन लिया कि भैया मेरे रिजल्ट है वो सही रहेंगे या गलत रहेंगे. सिंपल अजम्पशंस होते हैं वो, ठीक है, कि वो सही रहेंगे गलत रहेंगे, इसका मतलब हाइपोथेसिस होता है बस. सी मान लो आपने एक हाइपोथेसिस लिया, एक अजम्पशन ली कि जो है कि वेदर का इम्पैक्ट है ना, वेदर का इम्पैक्ट लेटस से मेरे फीवर पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि अगर वेदर ठंडा होगा तो मुझे फीवर हो जाएगा, वेदर नहीं होगा ठंडा तो मुझे फीवर नहीं होगा. ठीक है, सिंपल सी बात. अभी आप इंटरप्रिटेशन में तो बताएंगे कि भैया हमने जो पाया वो पॉजिटिव इफेक्ट पाया, किसका, वेदर का, फीवर के ऊपर, इतना बताएंगे बस आप इंटरप्रिटेशन में. कंक्लूजन में तो सब कुछ बताएंगे कि हाइपोथेसिस वन में कि क्या पाया, कैसा पाया, क्या पाया. मेन पॉइंट ऑफ द डिस्कशन सर, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हियर यू गिव द रेशनल और वी कैन कॉल इट एज रीजनिंग. रीजनिंग मतलब रीजन देते हो सर आप कि ये पॉजिटिव था तो क्यों था, नेगेटिव था तो क्यों था. अगर ये पुरानी स्टडीज के साथ पुरानी स्टडीज ने भी पॉजिटिव पाया और मेरी वाली नेगेटिव पाया तो ये क्यों आया, अलग रिजल्ट क्यों आया सर. यू गिव द रीजन हेयर कि मेरा सैंपल साइज डिफरेंट था, कि मेरा एनालिसिस का जो एरिया था वो डिफरेंट था, कि जो मेरे पॉपुलेशन थी उसमें छोटे बच्चे ज्यादा थे. मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ आपसे, एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आपको. हेयर यू डिस्कस द रीजन कि सर रीजन दे रहे हैं आप ऐसा क्यों हुआ. आप ऐसा इंटरप्रिटेशन में मत कीजिएगा, डोंट गिव रीजन हेयर. Discussions means when we discuss on something, कि ये कैसी चीज है, क्या है, क्यों है. हम कहते हैं हम discussion करनी है हमें, तो paper में discussion का मतलब कि you give a reason, a valid reason कि भैया आपका जो result था वो positive था तो क्यों था, negative था तो क्यों था, और उसका क्या impact रहेगा. मैंने एक part यहाँ पे छोड़ दिया, it is known as implications. मैं लिखना भूल गया यहाँ पे. प्लीज रीड द इम्प्लीकेशंस. वो बता रहा है कि जो मैंने पूरी स्टडी करी है साहब उसका जो है यूज कहाँ पे होएगा. तो आप उन इम्प्लीकेशंस में से भी अपना रिसर्च क्या आप निकाल सकते हैं कि हाँ अरे मान लो उसने बोला कि मोबाइल बैंकिंग पे किया और मोबाइल बैंकिंग कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है, उसने बोला कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. आप यहाँ से भी एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ तो, या फिर अच्छा इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं हम, आपका रिसर्च प्रॉब्लम यहाँ से भी आ सकती है. वही मैं कह रहा हूँ, दिमाग को जिंदा करना पड़ेगा, दिमाग को चलाना पड़ेगा. चलाओगे नहीं तो वो खराब हो जाएगा और आपको कुछ भी रिजल्ट निकाल के नहीं देगा. एंड देन रीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रीड लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप. मैं आपको अब दिखाता हूँ कि मैंने कैसे लिमिटेशंस और फ्यूचर स्कोप में से अपना जो है मॉडल क्रिएट किया था, कैसे मैंने अपना गैप फाइंड आउट किया था. सर ये बहुत जरूरी है लिमिटेशन फीचर्स को रीड करना. लेट मी शेयर यू माय एक्सेल शीट कि मैंने कैसे उसमें से आपको जो अपना है गैप फाइंड आउट किया था. आर यू एबल टू सी माय एक्सेल शीट?
Are you able to see my Excel sheet? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much. Sir, see, ये एक पेपर था ये वाला, this one. मैं इसको zoom करता हूँ. Okay, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और मैं नई शीट पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए कि क्या था वो. Just give me a second. सर इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में था, वो था मोबाइल मनी या वो मोबाइल वॉलेट के कॉन्टेक्स्ट में था. ये था 2019. टाइटल क्या था इसका, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ. टाइटल ये रहा, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन द एडॉप्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ मोबाइल वॉलेट सर्विसेज. सर ध्यान से देखिए, ये मोबाइल वॉलेट सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में है. ये मोबाइल वॉलेट, सिर्फ मोबाइल वॉलेट की बात कर रहे हैं, मतलब कि जैसे हम गूगल पे वॉलेट होता है, फोन पे वॉलेट होता है, एयरटेल पेमेंट बैंक में वॉलेट होता है, उन वॉलेट्स की बात कर रहा है ये. उसमें क्या कर रहा है, अडॉप्शन की बात कर रहा है और रिकमेंडेशन कि आप खुद कैसे अडॉप्ट कर रहे हो और औरों को क्या रिकमेंड कर रहे हो, यूज करना है कि नहीं करना. तो ये कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अडॉप्शन पे अफेक्ट करते हैं और रिकमेंडेशन पे. अगेन दोबारा देखिए सर, अडॉप्शन मतलब कि और रिकमेंडेशन, ये दोनों क्या हुए, डिपेंडेंट वेरिएबल हुए. और ये क्या है, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स. अब ये फैक्टर्स होंगे ये क्या, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये फैक्टर अफेक्ट करेंगे किसको, अडॉप्शन को या फिर रिकमेंडेशन को. किसकी रिकमेंडेशन को, मोबाइल वॉलेट सर्विसेज की, कहां पे, इंडिया में. एनालिसिस ऑफ द इफेक्ट ऑफ इनोवेटिवनेस, स्ट्रेस टू यूज एंड सोशल, ये उसने कुछ वेरिएबल्स दिए होंगे उसकी बात कर रहे हैं. 206 रेस्पॉन्स सेलेक्ट किए इसने इंडिया में से. ओके फाइन, मैं थोड़ा सा साइज और बड़ा कर देता हूं. फाइन, अब आपको विजिबल होगा है ना. यस सर, विजिबल. अब इसने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया, कंक्लूजन निकाला. अब यहाँ मैं आपको यहाँ की बात कर रहा हूँ. यू मस्ट हैव टू रीड द लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ द स्टडी, मस्ट फॉर यू. देखिए क्या पढ़ा इसने, क्या लिखा हुआ इसने. फर्स्ट अभी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर स्कोप भी बताएगा क्या होता है. अवर रेस्पॉन्डेंट्स represent a small group of Indian population. So future researchers may examine, अभी future की बात कर रहा है, how different cultures and demographics, मतलब कि demographics मतलब age हो गया, gender हो गया, income हो गया, इसको बोलते demographics, influence the recommendation of mWallet services. सर मुझे यहाँ से आइडिया मिल गया कि कल्चर को मैं कहीं ना इंक्लूड कर सकता हूँ इन पेपर में. मुझे आइडिया मिल गया कल्चर को मैं इंक्लूड कर सकता हूँ. एंड लेट मी शो यू माई सिनॉप्सिस. यस दिस इज माई सिनॉप्सिस, लेट मी प्रेजेंट इट टू यू. सर दिस इज माई सिनॉप्सिस, और मैं आपको अगर मॉडल दिखाऊं अपना तो आप पाएंगे कि यस, मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे कहाँ से आइडिया आया था. सर ये है मेरा रिसर्च मॉडल, और मैंने इसी मॉडल को अप्लाई किया है पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, पंजाब के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में. सर पंजाब में तीन कल्चरल रीजन्स आते हैं, एक माझा, एक मालवा, एक दुआबा. मीन्स पंजाब इज डिवाइडेड इनटू थ्री कल्चरल रीजन्स वेयर द कल्चर चेंजेस. वन इज माझा, वन इज मालवा, वन इज दुआबा. होल पंजाब इज सेग्रीगेटेड इनटू दीज थ्री डिफरेंट कल्चरल एरियाज. सो आई हैव टेकन दैट कल्चरल रीजन. So I am telling you, see research model को छोड़ दीजिए, I am just telling you कि आपको idea कैसे आएगा. Future scope की बात करी है इसने, तो आप कल मैं को I got an idea कि I can include the variable of culture in my paper. Next, see मैंने कहा ना कि सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा. I applied my mind on this कि यार culture को मैं ले सकता हूँ क्या अपने context में. I got answer yes. Then how? तो देखा कि पंजाब में कल्चरल रीजन्स हैं. यस आई फाउंड थ्री कल्चरल रीजन्स. देन आई फाउंड द डेटा ऑन दैट. आई फाउंड द डेटा. यस डेटा भी अवेलेबल है, तो क्या दिक्कत है, लेते हैं ना फिर इसको. फिर इस पे मैंने स्टडी सर्च करी कल्चर को लेके. अभी मेरे पास सिर्फ एक वो था, कीवर्ड था मोबाइल वॉलेट या मोबाइल बैंकिंग. बट नाउ आई फाउंड वन मोर कीवर्ड विच इज कल्चर.
So now I started searching mobile banking and culture with the help of that smart search. And I found there are very less papers in there. So I can prepare my model on this. See, sir, this is how you get your gap. ऐसे अब मुझे मिला कि ये culture का हुआ तो हुआ है, but in the context of mobile wallet, not in the context of mobile banking. इसीलिए मैं इसको अपने में, this is one of the research gap. One of the research gap. आगे पढ़ते हैं. Let's read आगे further. Future studies may include effectiveness and influence of social online media platforms on user adoption and recommendation of a technology in the context of both developing and developed countries. See, अभी इसने सिर्फ एक ही कंट्री में काम किया. किसमें? इसकी कंट्री जो थी, that one is India. Developing में काम किया. Now he is telling कि आप इसको developed और developing में compare करके भी दिखा सकते हो. Now I raise a question to myself. Is it possible कि मैं developing और developed को एक साथ इसमें करके दिखा पाऊं? तो answer हुआ कि you need secondary data on this. Then I checked for secondary data, but I didn't found any relevant data. Then I skipped the idea कि no, this is not possible. Then I come to next. Role of word of mouth and informal learning through such social platforms can also be discussed in the future studies. See, sir, मैंने ये सारा का सारा limitation copy करके यहाँ डाल दी है उसको, but paragraph की जगह मैंने उसको points में convert कर दिया है. आप pen पे उसको short में भी write down कर सकते हैं. अभी now I will come कि यार role of word of mouth. अच्छा, ये एक variable है, word of mouth and informal learning. क्या मैं इसको include कर सकता हूँ studies में? अगर मुझे आंसर मिलता है कि हाँ यार कर सकता है, then I will check literature on this, कितना ज्यादा literature है. अगर बहुत ज्यादा literature इस पे है तो I will leave this topic. अगर ये novel अच्छा topic है और ज्यादा literature available नहीं है इस पे, I can think on this कि कैसे इसको मैं अपनी study से link कर सकता हूँ. सर, इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा कि हाउ टू फाइंड द रिसर्च गैप, ना ही आपको पता लग सकता है विदाउट एनी एक्सपीरियंस. I have given you very clear example कि कैसे आप उसको future scope से, limitation से, कैसे gap से आप find out कर सकते हैं अपना area, अपना specific interest area, या फिर जो आपको research gap लेना है, research objective लेना है, उसको कैसे specify कर सकते हैं. इससे ज़्यादा सा detail में आपको बता भी नहीं पाऊँगा. It is not possible for me. If any question still now, you can ask me. Any questions till now, you can ask me. And those जो ये pattern follow नहीं कर रहे हैं और and they want कि we need to link the variables with each other, we need a good research model. Sorry, it is not possible. And frankly saying, it is not possible. जितना मर्जी मत्था मार लो, ऐसा नहीं हो पाएगा unless and otherwise अब 30 से 40 paper, introduction, literature review, discussions, फ्यूचर रिसर्च को पहले लिमिटेशन नहीं पड़ेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सर एक रिसर्च मॉडल को बनाना, उसके पीछे इतना दिमाग लगता है कि आपको लॉजिक क्रिएट करना पड़ता है कि वेदर द लॉजिक एग्जिस्ट और नॉट. ऐसा ना हो कि लॉजिक एग्जिस्ट ना करे एंड माय रिसर्च मॉडल फेल्स. वो साइकोलॉजी आपको लगानी पड़ती है, एग्जाम्पल्स लिंक करने पड़ते हैं उस चीज पे. वो तभी पॉसिबल होगा वेन यू आर डन, वेन यू आर क्लियर विद द लिटरेचर रिव्यू एंड इंट्रोडक्शन. उसके बिना नहीं हो पाएगा. उसमें एप्लीकेशंस पे हाउ कि सर जो एप्पल फोन यूजर्स हैं वो लोग श्योरली अपनी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन दे रहा. आई हैव टेकन टॉप 10 बैंक्स, कि ऐसे कौन से टॉप 10 बैंक्स हैं जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं. द फर्स्ट वन इज वी हैव टेकन मिक्स्ड प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, HDFC बैंक, SBI, PNB, ICICI, टॉप 10 बैंक्स वी हैव टेकन on the basis of size of this banks. वो आपको डाटा अवेलेबल है कि कौन सा बैंक कितना बड़ा है. ठीक है सर. उसके बाद हमने क्या किया
सी आप सर प्ले स्टोर यूज करते हैं राइट, ऐसे ही एप्पल फोन यूजर्स जो है वो iOS पे अपना यूज करते हैं उनका एप स्टोर. नाउ हमने पाइथन के थ्रू क्या किया सर, दिस इज सेकेंडरी डाटा गेम, दिस इज अ गेम ऑफ सेकेंडरी डाटा. सो हमने पाइथन पे चेक किया सम कोडिंग यूज करके कि इज द डेटा अवेलेबल, जो सर वहां पे रिव्यूज डालेंगे लोग कि यस आई लाइक द एप्लीकेशन, इट इज टू मच कंफर्टेबल, इजी टू यूज. पीएनबी में डालेंगे नो इट इज मच कॉम्प्लेक्स है ना, इट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, समटाइम्स द इट गॉट स्टक, वो बफरिंग करता है राइट. लोगों के रिव्यूज होंगे उस पे, हम भी डालते हैं सर. So what we done, we take the secondary data, we check the data, yes, data is available. So using Python, Python is not that much tough language. Basic Python pe aap isko nikal sakte hain, sir. So using the Python, we extracted the secondary data and we analyzed those applications. Ki, yes, sir, we have done the study ki post, pre-COVID and during COVID. 2 years before COVID and 2 years during COVID. जो उनकी एप्लीकेशन की जो मतलब ग्रोथ थी वो कैसे कोविड, हाउ द कोविड इंपैक्टेड देयर ग्रोथ ऑफ एप्लीकेशंस. तो सर वी, तो सर हमने उसको ट्रेंड, उसका ट्रेंड एनालिसिस किया, वी फाउंड कि यस एचडीएफसी वाज द फर्स्ट, कि इंस्पाइट ऑफ कोविड इज देयर, देयर यूजर्स आर गोइंग गुड. सर उसमें हमने रिव्यूज को देखा कि बैड रिव्यूज कितने हैं, नॉर्मल रिव्यूज कितने हैं, गुड रिव्यूज कितने हैं, तीनों का ट्रेंड कि बैड रिव्यूज का ट्रेंड कैसा रहा, पहले अच्छे थे, पहले बैड रिव्यूज कम थे, फिर कोविड में बढ़ गए, फिर कम हो गए, न्यूट्रल रिव्यूज कैसे थे एंड गुड रिव्यूज थे वो कैसे थे. ओके, वी एनालाइज ऑल द 10 बैंक्स. सो सर दिस इज द गेम ऑफ सेकेंडरी डेटा. सर सेकेंडरी डेटा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज द एस्ट्रिक मार्क, इज द डेटा अवेलेबल. जो मॉडल बनाती है बट दे डोंट शो इट डायरेक्टली इन द रिसर्च पेपर्स, वो शो नहीं करते हैं बट देयर इज अ मॉडल इन दोस पेपर्स राइट. नाउ आई एम शोइंग यू कि आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, आपको पता लग गया हाउ टू डू लिटरेचर रिव्यू. नाउ आई एम टेलिंग यू हाउ टू स्पेसिफाई इट टू रिसर्च गैप्स. आई एम शोइंग यू माय रिसर्च गैप्स एंड माय रिसर्च क्वेश्चन एज वेल. दैट्स व्हाई टुडे आई एम ब्रिंग माय सिनॉप्सिस इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू गाइस कैन सी हाउ वी कैन डू द वर्क. सर दिस इज माय सिनॉप्सिस. सर मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाना चाहूंगा. Hope my synopsis is visible to you. Yes, it is visible. Sir, writing style. Again, I am coming back to writing style. In the modern era, IT has evolved, bringing the world closer and allowing IT to be shared quickly and effectively. See, sir, मैं world की बात कर रहा हूँ. उसने गैप ब्रिज कर दिया, जो दुनिया छोटी कर दी है ना, वी कैन डू बिजनेस इजीली, ट्रांजैक्शंस टेक्स लेस अमाउंट, ऐसा ऐसा करके मैंने कहानी बनाई धीरे धीरे. फिर विद द एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन आई ब्रिंग टेक्नोलॉजी इन टू अकाउंट, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी पे लाना है उनको. द फाइनेंशियल सेक्टर इवॉल्व एंड द मर्जर ऑफ बोथ नोन एज फिनटेक. स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया, देन आई नैरो इट डाउन टू फिनटेक. देन From the fintech, मैंने fintech को define किया यहाँ पे कि what is fintech, what does it, what are the challenges they are facing, all those things, right? Then I narrowed down the fintech to SST, self servicing technologies, means ATMs and all. Mobile banking also covers into that. Then from fintech, I narrowed it down to SSTs, self servicing technologies, like ATMs, mobile. See sir, यहाँ से मैं इसको SST से फिर कहाँ पे narrowed down करके लाया, it include ATMs, internet banking and mobile banking. Then, फिर मैंने मोबाइल बैंकिंग में बताया उनको कि मोबाइल बैंकिंग ऐसा ऐसा होता है. बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक देम टू मोबाइल बैंकिंग बट नॉट डायरेक्टली. सर उसको आपको एक कहानी बना के ब्रॉड एरिया से धीरे धीरे करके नैरो डाउन करके उसको अपने टॉपिक पे लाना पड़ेगा सर. फिर मैं मोबाइल बैंकिंग में ग्रोथ बता रहा हूँ कि कितना हुआ, कैसा हुआ, इतना उसमें ग्रोथ हुआ ट्रांजेक्शन में, वॉल्यूम्स में, ये सब चीजें मैंने आई हैव शोड टू देम. नाउ सर, सी हाउ आई टेक देम टू माई रिसर्च क्वेश्चन.
See, I told here ki past trends that is doing very good and it is the backbone of the country supporting our nation, right? Now this please read these three lines. This serves to be an incredible achievement for a country like India to bring this major change in the banking industry. But here the question arises. See sir, maine baat karni hai continuous intention ki. अभी तक मैंने जो सारा दिखाया है वो एडॉप्शन पे दिखाया है सर सारा काम बट हियर द क्वेश्चन अराइजेस दैट फॉर हाउ लॉन्ग दिस सक्सेस विल बी सेलिब्रेटेड बाय द बैंकिंग फर्म्स सर दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ मैटर कि सर एडॉप्शन हो चुकी है दैट इज फाइन बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि सर ये कॉन्टिन्यू यूज करेंगे कि नहीं करेंगे इसको अगेन आई टोल्ड हियर कि कॉस्ट रिडक्शन जो है वो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है एंड इट इज ओनली कंफर्म थ्रू कंटीन्यूअस यूजेज मैंने एक लाइन देके सपोर्ट किया अपने डिसीजन को ऑल्दो एडॉप्शन रेट इज वेरी हाई बट लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कंटीन्यूअस इंटेंशन रादर देन फर्स्ट टाइम एडॉप्शन देयरफॉर दिस स्टडी विल ट्राई टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट्स ऑफ कस्टमर परसेप्शन टुवर्ड्स मोबाइल बैंकिंग दैट इन्फ्लुएंसेस एटीट्यूड Continuous intention and intention to recommend. This is sir my research model जो मैं उसको बताना चाह रहा हूँ basically. See अभी आपने research question देख लिया यहाँ पे क्या कि भाई continuous intention ये this is the point of concern. Now sir मैंने अपना सब कुछ सारे variables यहाँ पे define किए theoretical background दिखाया the theories which I used I explained it here. These are the theories which I have used. Basic theories models right sir now after doing this is now we come to literature review maine ek ek study ko literature review kiya see sir ye culture pe studies dikhenge aapko kyunki maine culture ko point out kiya hai wahan pe aapko continuous intention pe studies dikhengi isme kyunki maine usko apne topic mein lena hai to aise hi I done 40 literature reviews good 40 literature reviews Now, see, let me show you my research gaps. मैंने कहा था कि research problem समुंदर है, research gaps नदी है. Now, see sir, अभी मुझे पता लग गया कि mobile banking में problem चल रही है continuous use में. Now, with the help of literature review, I need to find, I got many points. कि sir, culture का use नहीं हो रखा इसमें trust का use नहीं हो रखा, इसमें intention to recommend नहीं use किया लोगों ने, right? इन पे काम नहीं हो रखा माई फर्स्ट रिसर्च गैप द करंट लिटरेचर शोज दैट मेनी स्टडीज हैज बीन डन इन डिफरेंट कंट्रीज यूएस इजिप्ट मलेशिया थाईलैंड बट वेरी स्कैंट स्टडीज हैव बीन डन इन इंडिया सबसे पहला रिसर्च गैप तो मुझे यही मिल गया कि इंडिया में रिसर्च नहीं हो रखी है माई रिसर्च गैप फॉरन तभी मैंने कहा था ना कि एक्सेल में यू नीड टू नोट डाउन द कंट्री कि कौन से कंट्री में हो रहा है ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं सर हमारे मार्केटिंग में जो चाइना में हो रखी हैं सो यूएस में हो रखी हैं बट इंडिया में नहीं हो रखी हैं सर बट कैसे एनालाइज कर पाएंगे जब आप एक्सेल बनाएंगे आप कंट्री वाइज 15-20-30 लिटरेचर रिव्यूज पढ़ेंगे फिर आप उसको एनालाइज करेंगे क्या सारी कंट्री सारा तो लिटरेचर ये चाइना में है ना यूएस में है रशिया में है इंडिया में तो लिटरेचर ही नहीं है इसके ऊपर तो अपना दिमाग लगाया तो पता लगा दिस इज अ रिसर्च गैप Second, various researchers have reported mobile banking high penetration in India. A lot of theoretical contributions is on sir intention to use pe study ho rakhi hai, behavioral intention pe study ho rakhi hai, adoption pe study ho rakhi hai. But initial adoption bahut nahi hai, continuous intention chahiye aapko. A limited number of researchers have focused on the continuous intention. See, maine dekha sir. Adoption पे बहुत सारी studies हो रखी हैं, intention to use पे हो रखी हैं, but continuous intention studies बहुत कम हो रखी हैं। ये कैसे पता लगा? ये सर keyword से पता लगा मुझे। ये कैसे पता लगा? सर मुझे नाम से पता लगा कि वो क्या चीज मेजर कर रहा है बट सी आई नहीं मेजर कर रहा है सो देयरफॉर द प्रपोज्ड स्टडी विल ट्राई टू ब्रिज दिस गैप टुवर्ड मोबाइल बैंकिंग थर्ड सी हियर कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल मैंने बताया आपको मैंने वहां से पकड़ लिया इस पॉइंट को बट कल्चर जो है मैनी स्टडीज हैव ट्राइड टू इनकल्केट वेरिएबल ऑफ कल्चर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बट जो है
इंडिया में कल्चर को मोबाइल बैंकिंग में सॉरी लिंक नहीं किया गया, दिस इज अ रिसर्च गैप, सो आई एम टेकिंग दिस कल्चर कल्चर ऑफ पंजाब स्टेट विद रिस्पेक्ट टू मोबाइल बैंकिंग कॉन्टेंटेशन. कल्चर पे स्टडीज थी मोबाइल बैंकिंग पे, बट एक स्टडी जयपुर पे थी, एक स्टडी बैंगलोर पे थी, बट माई टॉपिक इज ऑन पंजाब, पंजाब के कल्चर. सी सर, मेरी पॉपुलेशन बदल गई तो मेरा टॉपिक बदल गया. अभी मैं मेजर कर रहा हूँ जयपुर का कल्चर, बट वहाँ की वहाँ का जो बिहेवियर लोगों का अलग है सर, पंजाब का बिहेवियर अलग है, तो यहाँ के लोगों के रिजल्ट भी अलग होंगे जब बिहेवियर अलग है, तो दैट इज वाई माई स्टडी इज डिफरेंट. फिर मैंने बोला कि इंटेंशन टू रिकमेंड आपने यूज नहीं किया हुआ वेरिएबल. सर सबने कॉन्टेस्ट इंटेंशन भी थोड़े लोगों ने मेजर किया, इंटेंशन टू रिकमेंड यूज किया हुआ है, बट वो किसमें किया हुआ है सर, एडॉप्शन पे यूज किया हुआ है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया, मोबाइल वॉलेट में यूज किया हुआ है, मोबाइल बैंकिंग में नहीं किया हुआ है. मैं वही कह रहा हूँ सर, ये चीजें, ये सारे गैप्स आपको कैसे मिलेंगे, ये सारे गैप्स आपको लिटरेचर रिव्यू पढ़ेंगे, उसको इंटरलिंक करेंगे, दिमाग को जिंदा करेंगे, तभी मिलेंगे. और 10 पेपर से पहले मत सोचना कि मुझे कुछ समझ आएगा, कुछ निकल के आएगा. ये सर एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है. ऐसे लगा लो कि वन सेकेंड सर, इट सेम लाइक सर, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ आपको ताकि आपको क्लैरिटी हो सके. आफ्टर दैट वी विल टेक डाउट सेशन एट एंड द क्लास. मान लीजिए हम लोग घर से बाहर निकले, हम लोग नए शहर में शिफ्ट हुए सर, सब लोग नए शहर में हमने घर लिया. देखिए शहर बहुत अच्छा है, बट जो हमारे घर की गली है ना, वो टूटी हुई है, उसमें अभी भी सीवरेज डला है, तो वो गली टूटी हुई है, ठीक नहीं है वो. और वो टूटी जैसी गली खत्म होती है, वहां पे बिल्कुल हाईवे है, साइकिलिंग ट्रैक्स अलग बने हुए हैं, एम्बुलेंस का ट्रैक अलग बना हुआ है, गाड़ियों का अलग बना हुआ है, मतलब यू नो 4 लेन बना हुआ है पूरा मस्त एकदम, पूरे शहर में ऐसे ही है. अभी आप लोग चाहते हो कि भैया हाईवे तो बहुत अच्छा बना हुआ है, बट ये जो खड्डे है ना, ये काफी ज्यादा खड्डे हैं, ऐसे गाड़ी कौन लेके जाएगा, नहीं यार ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं नहीं चलूंगा यहाँ से. अगर आप ऐसा सोचेंगे तो सर कभी हाईवे पे चढ़ नहीं पाएंगे. तो एक ही आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि उस खड्डे वाले रास्ते से होके जाना पड़ेगा, हाईवे पे चढ़ेंगे एंड लाइफ बन जाएगी मक्खन. सेम वे वो जो खड्डे हैं हमारी जो घर के बाहर, दैट आर दोज 10 रिसर्च पेपर्स जिसको आपने डीपली रीड करना है. वो खड्डे क्लियर हो जाएंगे, यू विल गेट द बेस, रिसर्च पेपर पढ़ना बन जाएगा मक्खन की तरह आराम से. आप आई एम टेलिंग यू, अभी आप मुझे कोई रिसर्च पेपर दे दीजिए 5 to 7 to 10 minutes, मैं बता दूंगा आपको कि इस रिसर्च पेपर में क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये मेरे लिए यूजफुल है कि नहीं है, एंड आई विल रीड इट आउट. बट अगेन वो 10 मिनट्स तक पहुंचने के लिए आई एम टेलिंग यू, मैंने एक दिन में एक एक रिसर्च पेपर भी पढ़ा है सर, एक रिसर्च पेपर पूरा एक दिन लगा के पढ़ा है, 2 रिसर्च पेपर पूरे एक दिन में पढ़े हैं. मतलब जहां वो 2 दिन लग रहे थे, आज उस पे 10 से 15 मिनट लग रहे हैं. इट कम्स विद द प्रैक्टिस, बट वो आपको खड्डे कवर करने पड़ेंगे. 15 रिसर्च पेपर्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, इंट्रोडक्शन भी, LRB और जो नीचे वाला पार्ट बताया आपको, स्किप RM, स्किप एनालिसिस, स्किप कंक्लूजंस, कुछ छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, पढ़ो तो कोई अच्छी बात है, बट इंटरप्रिटेशन मत पढ़ो उसकी, स्किप इट. मैं आपको वही बता रहा हूँ, इजी हो जाएगा. लिख के लिखना बहुत जरूरी है, लिख के करना जरूरी है, लैपटॉप पे करें दैट इज गुड, बट एक एक पेपर को लिख के होना चाहिए, टाइटल, नेम, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर, क्या क्या डेफिनेशन है, लिख के. मैं कह रहा हूँ 10 पेपर बाद आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा, बट वो 10 पेपर तक सबर करना पड़ेगा, दैट यू हैव टू, नो ऑप्शंस अवेलेबल सेइंग यू डायरेक्टली. तो टुडे वी आर डन विद हाउ टू नैरो डाउन, हाउ टू रीड अ रिसर्च पेपर, हाउ टू फाइंड आउट द रिसर्च गैप, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू नैरो इट डाउन टू रिसर्च गैप. यस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क.
Yes, sir. Questions from your side? No questions? Okay, let me ask you a question. Kin logo ne jitna humne abhi tak padha usko practically apply karna start kar diya? मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक यू म्यूटेड योरसेल्फ. किन लोगों ने अब तक जो हमने पढ़ा उसको प्रैक्टिकली यूज करना स्टार्ट कर दिया है? ओके, एकता मैम आपने स्टार्ट किया. गुड. मैंने भी चालू कर दिया था. वो जो ऑथर्स होते हैं ना. हाँ जी मैम. सेग्रीगेट करना पेपर्स को. हाँ जी मैम. इज गुड क्वालिटी जर्नल पेपर एंड वो देखा एंड देन वो गूगल स्कॉलर में भी सर्च करके देखा कि कौन सा इंक्लूडिंग आउट एक्सट्रैक्ट करना है, इन बिटवीन करना है, कोलन वगैरह. दैट्स गुड मैम. मैम आपने जो मुझे प्रॉब्लम बताई थी उसमें प्रॉब्लम ये था कि दैट यू वर रीडिंग अ कॉन्फ्रेंस पेपर. यस सर. आई वेंट थ्रू योर पेपर एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम. यू आर रीडिंग अ कॉन्फ्रेंस पेपर व्हिच इज नॉट अ गुड क्वालिटी. उसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है मैम. as we have learned now, go find out good journals, find out good papers, find out your top 50 journals, start reading those papers. And yes, एक चीज मैं आपको बता दूं, we are left with important for you. Where I was? Yes. See. Yes, these are the tools, ChatGPT and Sciespace Copilot. I have added these extensions. See, this is the link. You click on this, you will directly go to this link. आपने ये नाम अभी सुना होगा, Sciespace Copilot Chrome, right? Yes, sir. Right? Ma'am, for mathematics, it will be very useful. Let me tell you. And for other fields as well. Let me share my screen. आप इससे अपना research papers बहुत अच्छे से बहुत easily read कर सकते हैं. बहुत easily. कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी interpret नहीं हो रहा है, कुछ भी mathematical equation है, it will help you out. Okay, let me tell you how. Now this is the link. आप इसको click करेंगे, you need to add an extension here. आपका extension add हो जाएगा इस तरीके से extension add हो जाएगा Copilot का. Okay? Now, see, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ. Upload a PDF. वगैरह upload a PDF. I am uploading my PDF here. See, मैंने एक पेपर निकाला, ये वाला meta-analysis वाला ही. मैंने इसमें put कर दिया. You can upload 100 MB PDF here. Upload one file. Okay, I am uploading it. I am opening this one. ये लोड हो रहा है पेपर. अभी इसमें लोड हो गया ये. ओके, नाउ दिस इज द पेपर. ये वही पेपर है जो हम अभी रीड कर रहे थे, है ना? यस. राइट मैम. इसमें आप इस हियर, दिस इज आल्सो एन अल्टरनेटिव ऑफ चैट जीपीटी. उसी का एक पार्ट है. दिस इज एन ओपन एआई. अगेन दिस इज एन ओपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यू कैन आस्क मी एनीथिंग. He explain abstract of the paper in two lines. What are the contribution of this paper? Explain the practical implications. Means आपको paper पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सामने लाके दे देगा, but ये देगा अपनी language में. This is the issue. आपको paper की language read करनी है. You have to read paper's language. ये सिर्फ तब use करना है. I'm telling you, जब वो खड्डे cross कर जाओगे, 10 paper पढ़ लोगे, after then take help of it. And yes, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ आ रहा, then take help of it. See, let us say, I am telling him explain abstract in two lines. Can you open this conference paper? I know that it is not okay, but I would. वो हमारे सर ने क्या बोला था कि हमको ये ऐसा नहीं करना है. This concept we have to use. That concept. मुझे समझाने के लिए मेरा जो टॉपिक था ना, मतलब जो प्रॉब्लम है मेरा. अगर आपको नहीं भी मेरा समझ में आया तो भी आप बस हेडिंग से भी समझ सकते हो कि मेरे टॉपिक में मेरे को कैसे करना है. तो बस वो कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने मुझे रेफरेंस दिया था उसका, कि इस टाइप का आपको सोच रखना है, ऐसा हमको करना है आगे जाके. मैम ओके, आई एम डाउनलोडिंग योर पेपर. ओके,
और आपको कैसे समझा सर ये कॉन्फ्रेंस का मतलब पेपर अच्छा नहीं है? अभी इसमें कॉन्फ्रेंस के पेपर को कैसे रिकॉग्नाइज किया आपने? मैम, आई एम टेलिंग यू, कॉन्फ्रेंस में लोग अच्छे पेपर डालते ही नहीं है. अगर ये मैम, अगर ये अच्छा पेपर होता तो ये कॉन्फ्रेंस में ना होता, ये एपीटीसी लिस्ट में होता. ऐसा कोई भी बेवकूफ इंसान नहीं होगा जो ए कैटेगरी एपीटीसी कैटेगरी पेपर कॉन्फ्रेंस में डालेगा, राइट? अरे को अपना अच्छा पब्लिकेशन चाहिए ना, am I right or wrong? अगर आप बहुत क्वालिटी पेपर लिखेंगे, you will not present it in a conference. Why you will waste your paper? You will publish in a quality paper, quality journal. मतलब मुझे ये तो फर्क ही नहीं पता था सर कि कॉन्फ्रेंस में क्यों डालते हैं और जर्नल में. मैम, पीएचडी में बेसिकली ऐसा होता है कि अवर गाइड टेल्स अस कि आप कॉन्फ्रेंस लगाओ, है ना, आप कुछ एनुअल्स में शो करो. दैट्स व्हाई वी अटेंड सम कॉन्फ्रेंसेस. तो उसके लिए हमको उसमें पेपर डालना पड़ता है प्रेजेंट करने के लिए. तो नॉर्मली रिसर्चर्स उसको 5-10-15 दिन में बना के एंड दे पुट इट इन अ कॉन्फ्रेंस कि यार गाइड की बात भी रह जाएगी और हमारा पेपर भी हो जाएगा. सी, अगर कॉन्फ्रेंस लगानी है फॉर यू गाइस, लगाइए कॉन्फ्रेंस. बट 6 महीने इन 6 months जस्ट अटेंड वन कॉन्फ्रेंस, बट अटेंड दैट वन विच इज अ वेरी गुड वन. गो फॉर IITs, गो फॉर IIMs, गो फॉर फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, एनी गुड कॉन्फ्रेंस. एंड अच्छी कॉन्फ्रेंस की जो नोटिफिकेशन है सर वो 6 महीने पहले स्केड्यूल आ जाता है कि 6 महीने बाद ये कॉन्फ्रेंस है, इस टॉपिक पे है. पेपर्स वो 3 महीने पहले एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं. बट जो नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं सर, वो 1 महीने पहले आएंगी, 2 महीने पहले आएंगी, वो अपनी डेट को एक्सटेंड करते रहते हैं, पेपर बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें ये चीजें रहेंगी. मैम, अच्छी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कीजिए, आपको फायदा मिलेगा. सो मैम, नाउ आई एम अपलोडिंग योर पेपर. ओके, यस, ओके, होम. लेट अस इंटरप्रेट योर मैथमेटिकल रिजल्ट्स नाउ. अपलोड वन पीडीएफ, दिस इज योर पेपर. Fine. Yes, we are done. Now opening a paper, ma'am. It's getting uploaded. For other audience, this is a mathematical paper, but don't get confused. I will let you know how to. Ma'am, there are a lot of calculations here. Now there is one option: explain math and table. Now, when you click on this, he's telling select and drag the cursor over an area containing formulas. So what I do, explain math and tables. I selected this area. And wo automatically is area ko yahan pe, it is like a same like chat box. It is same like chat box in chat GPT. Now he will interpret the results. So in case aapke paper mein bhi mathematical equation aata hai, you can just take help of this tool and the tool will interpret it step by step ki iska matlab kya hai, iska matlab kya hai, iska kya conclusion hai, aisa kyun kiya, ye method kyun use hota hai. He will tell you everything. Waiting for the results. By the time you ask any question you want to ask, anyone. Sir, वो जो conference या workshops जो होती हैं, वो कहाँ से पता चलती है कि मतलब जैसे अभी इस कुछ workshops होते हैं, निकालते हैं लोग उस topic के area. Jump search here. Top 10 international conferences. International conference. नहीं बोल रही, मैं वर्कशॉप के बारे में बोल रही हूँ सर, रिलेटेड टू एरिया, क्योंकि फॉरेन में भी अभी कुछ रिसर्च स्कॉलर जाते हैं ना सर, दो महीने के लिए, तो फिर वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे हमें पता चलता है, कहाँ से उसको देखते हैं, मतलब मैम नेट से पता लगेगा तो आपको. अब चैट जीपीटी से मैम, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया कि वर्कशॉप कौन सा मैथमेटिक्स है, आप सर्च कीजिए कि के पालिका कैसा वो है, कैसा नहीं है,
So, ma'am, आपके रिसर्च यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए हैं कोर्स फाउंडर पे. यस, द हाइलाइटेड टेक्स्ट डिस्क्राइब द मॉडिफायर यूलर्स मेथड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन न्यूमेरिकली. दिस मेथड इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स. ये स्टेप्स उसने बताए. दिस इज इक्वेशन गिवन बाय इक्वेशन दिस, वेयर इसका मतलब yn का मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका मतलब ये है स्टेप बाय स्टेप. एंड उसने दिस इज गिवन बाय द इक्वेशन मीन्स इफ यू आर नॉट एबल टू इंटरप्रेट दिस रिजल्ट्स ही विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मतलब है एंड रिजल्ट्स क्या है उसके. सी सर, बहुत थैंक यू. हाँ, यही मुझे नहीं आता था. मुझे मतलब मेरे हिसाब से आता था, बट ये लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है ये को पहले इज वेरी नाइस. एंड द सिस्टम विल टेल यू. एंड लेट अस से आई एम अगेन अपलोडिंग माय पेपर. दिस आर द लास्ट. सो लेट अस से दिस इज माय पेपर ऑफ मेटा एनालिसिस. अब इसमें यू कैन डायरेक्टली टेल हिम results of the paper. Yes, he will tell you results of the paper. But again, I am telling you, these two tools I have given to you, and link is given, but use these tools after reading 10 papers. नहीं तो base कच्चा रह जाएगा साहब, mind कच्चा रह जाएगा, research paper. ये जैसे guide के जैसा हो गया sir, directly answer, खुद को search करना. Yes ma'am, he is a guide. Technology, make use of technology ma'am, he is a technological area. थोड़ा सा बिजी है ये, थोड़ा सा आपको कई बार ऐसा रिस्पॉन्स मिल सकता है, नो इश्यूज, दोबारा ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा. आई हैव ट्राइड इट. समटाइम्स दे विल गिव यू रिस्पॉन्सेस लाइक दिस, बट इट्स अगेन व्हेन यू विल रीट्राई दे विल गिव द राइट रिस्पॉन्स. सो वी आर डन विद द टुडेस लेक्चर. टाइम इज 7:40. सो मच. यस, एनीवन, एनी क्वेश्चन लेफ्ट और वी विल एंड द क्लास. Hope today's session was useful to you. Very useful, sir. You got solution to every. We are waiting for this day. See, ma'am, sabr chahiye hota na har cheez ke liye. Yes, sir. Aap bol rahe the patience rakho na hi. Keep the patience. Okay, so I am ending the class. Hope you enjoy the class. Have a nice day. And request you. Team was telling me that you guys are not reviewing our course. So, वो कहाँ पे करना है सर, मुझे वो समझ में नहीं आया. We will send you a link. In that link, just click on my course, and when you scroll down, there will be option available to rate the course and to put up your comments. Whether you like it, please write good comments. If you don't like it, okay. Thank you so much. Have a nice day. Thank you.